सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। सभोपदेशक अध्याय 8 वचन 11। सभोपदेशक अध्याय 8 वचन 11 से देखे, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। कहता है जो जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो बुरे काम करने के द्वारा जो उसके दंड की आज्ञा यानी पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, यानी जो मनुष्य बुरा काम करता है और बुरे काम का जो दंड होता है, वचन कहती है कि कोई दंड देने वाला बुरे काम के बदले में फुर्ती से यानी वह तुरंत तेजी से उसे दंड नहीं दे देता है। कहता है वचन में कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, यानी कोई भी व्यक्ति जब कोई बुरा काम करता है तो बुरे काम करने से जब वह न्याय के हाथ में सौंपा जाता है तो वह बुरे काम के बदले में उसे तुरंत दंड की आज्ञा नहीं दी जाती है, परंतु उसके विषय में विचार किया जाता है, सोचा जाता है, बहुत काफी विचार किया जाता है, उसके बाद उसको आज्ञाएं दी जाती है। वचन में लिखा गया है, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। यही कारण होता है कि जो मनुष्यों का काम बुरा काम करने की इच्छा से भरा होता है, यानी मनुष्य हमेशा बुरा काम करने के लिए इच्छुक होता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा गया है, इसलिए इच्छुक होता है क्योंकि बुरे काम के जो दंड की आज्ञा है जो तुरंत नहीं दी जाती, परंतु उसमें सोच विचार किया जाता है, उसमें काफी ध्यान दिया जाता है, मनन किया जाता है। यही कारण है कि जो मनुष्य, कहता है वचन में कि मनुष्य, यही कारण है कि मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा होता है। वचन कहती है कि बुरे काम करने से जो दंड की आज्ञा फुर्ती से यानी तुरंत नहीं दी जाती, परंतु उस पे मनन किया जाता है, उस पे विचार किया जाता है, यही कारण है कि मनुष्य का मन बढ़ गया है और हमेशा मनुष्य बुरा काम करने का इच्छुक बना रहता है और हमेशा चाहता है बुरा काम करने के लिए। इसीलिए वचन कहती है, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी
मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन में बताया गया है कि चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, कहता है चाहे पापी 100 बार पाप करे या पाप करने के लिए और दिन बढ़ाए यानी और इच्छा को प्रकट करे, तो भी इस बात को मैं निश्चय बता रहा हूं। वचन कह रही है बात निश्चय है, कह रहा है कि ये बात निश्चय है, अवश्य है कि जो मनुष्य परमेश्वर से डरते हैं और अपने आप को उस परमेश्वर के भय को जानकर उसके सामने उनके सम्मुख हमेशा भय में बने रहते हैं। वचन कह रही है कि चाहे पापी 100 बार पाप करे और बल्कि 100 बार के अलावा और भी पाप करने की इच्छा प्रकट करे, तो भी कहता है वचन में कि मुझे निश्चय है, मुझे विश्वास है कि जो मनुष्य परमेश्वर से डरते और उसको अपने सम्मुख जानकर भय मानते हुए अपना जीवन जीते हैं, तो ऐसे मनुष्य का हमेशा भला होगा। वचन कहती है ऐसे व्यक्ति का हमेशा भला होगा। कैसे व्यक्ति का? कि जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में होकर जीवन जीना चाहे, उसके सम्मुख होना चाहेगा, जो परमेश्वर का भय अपने अंदर बनाए रखेगा, अवश्य है कि ऐसे मनुष्य का भला होगा। वचन कहती है परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, परंतु जो दुष्ट आदमी है, दुष्ट जनों का भला नहीं हो सकता, उनका भला कभी नहीं हो सकता। क्यों? कहता है वचन में उनका भला नहीं होने का और न उनकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। कहता है उनके जीवन की जो छाया है, जीवन की परछाइयां है, वो लंबी नहीं हो सकती, अर्थात वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। वचन में लिखा गया है कि परंतु दुष्ट जन का भला कभी नहीं होगा, परंतु दुष्ट जन का हमेशा बुरा ही होगा, हमेशा उन्हें अपने प्राणों में हानि ही उठानी पड़ती है। इसलिए हानि उठानी पड़ती है क्योंकि वे परमेश्वर का भय नहीं मानते, क्योंकि वे परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर से डरते नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा अपने अंदर परमेश्वर का भय बनाए रखिए। आप हमेशा अपने अंदर परमेश्वर का डर बनाए रखिए। यदि आप हमेशा परमेश्वर से डरेंगे, भय में बने रहेंगे, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपको धर्मियों में गिनेगा। अवश्य कि उसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि उतरेगी और आप परमेश्वर की आशीष में भर जाओ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, उस परमेश्वर की धुन में बन जाइए, उस परमेश्वर की धुन में हो जाइए और हमेशा उसकी अधीनता में, हमेशा उसके भय में होकर उसकी आज्ञाकारिता में बने रहिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपको जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, जरूर है कि प्रभु आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह के नाम में प्रार्थना करता पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि सबके सब तेरे आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता, प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, हे परमेश्वर, इनके द्वारा जो भी पाप, जो भी गुनाह हो प्रभु, हर पाप और गुनाहों को क्षमा कर। और विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए। हे परमेश्वर, हर पाप हर गुनाह से हे परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल हे परमेश्वर, ताकि तेरे दया के द्वारा ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें से अपने जीवन में जो निराश है, उदास है, हे परमेश्वर उनकी निराशा, उनकी उदासी को दूर कर, उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तो भारी
सामर्थ्य परमेश्वर है, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु। तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु आपने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई भी पत्ती तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा कर। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वर्ग दूतों को, उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्माएं दुष्ट आत्माएं शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकले। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार लोग हैं उनको आदेश करता हूँ यीशु के नाम से, उनकी बीमारी निकल जाए। जिसके सर में दर्द हो सर की बीमारी निकल जाए, आंखों में तकलीफ है आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी कान की बीमारी निकल जाए, जिसके नाक में नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह में मुंह की बीमारी निकल जाए, गले में गले की बीमारी निकल जाए, जिसके सीने में तकलीफ है सीने की तकलीफ है, पेट में तकलीफ है पेट की तकलीफ है निकल जाए। हे परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ प्रभु उनके आदेश करता हूँ यीशु के नाम से, गंदी आत्मा उनका जीवन छोड़े बाहर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके शरीर से हर प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां जो भी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष, उन्हें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर ताकि पढ़ाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। जितने एग्जाम दे रहे प्रभु उनके एग्जाम के ऊपर आशीष दे ताकि वो एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जीवन का जो लक्ष्य है उनका पूरा हो जाए। हे प्रभु हम विनती करते हैं, हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हर एक के ऊपर तू अनुग्रह कर। मेरे महान स्वामी मैं प्रार्थना करता पिता अपनी दया के द्वारा इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे ताकि तेरे आशीष के द्वारा बिल्कुल भले चंगे हो जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में जो जकड़ा हुआ है छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता जिनके पास घर नहीं उन्हें घर देकर आशीष दे, चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डालते ताकि तेरे दया के द्वारा ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे इनके घरेलू कोई विवाद हो घर का विवाद बिल्कुल खत्म हो जाए, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर जिन पति पत्नी के बीच में दरारें और तलाक की बातें चल रही प्रार्थना करता हूँ उन दोनों पति पत्नी के मत विचारों को बदल प्रभु, दोनों को एक मत एक मन कर दे कि आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जिए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर बिछड़े हुए लोगों को प्रभु एक मत एक मन कर दे कि ताकि आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जिए। हे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे इनके जीवन में जो भी उदासी जो भी निराशा है जो भी समस्या है बिल्कुल खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर जितने लोग आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु उनके जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे। ओ परमेश्वर इनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर होने दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु हर एक को तेरे पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना कर देविता अपनी महिमा की सामर्थ के द्वारा हे परमेश्वर हर एक को भर दे। ओ प्रभु यीशु के नाम से तेरी सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे, तेरी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरे। देखो पवित्र आत्मा आ रही है रिसीव करो, से आशीष आपके ऊपर आ रही रिसीव करो। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना कर देविता हे परमेश्वर इनके जीवन में महिमा की आशीष आने दे ताकि सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।